दोस्तों जिस छठ पर्व को लोग प्रकृति की सूर्य की उपासना के रूप में मनाते हैं, प्रकृति का पूजा किया जाता है, उसी छठ पर्व में रोसड़ा नगर परिषद में प्रकृति का विनाश किया जा रहा। और दोस्तों जहां पे मौजूद है यहां पे देखिए कि 10-10 फीट गड्ढा करके नदी किनारे में, और यहां पे देखिए पूरा पेड़ का जड़ तक जो है सो हिला दिया गया है और जड़ को काट दिया गया है, और यहां से पूरा मिट्टी काट करके, अब बताइए नदी किनारे में जेसीबी से, इधर दिखाइए जेसीबी से इधर खुदाई हो रहा है, और यहां से ट्रैक्टर में मिट्टी लेकर के, एक बार ट्रैक्टर दिखाइएगा, ट्रैक्टर में देखिए किस तरह से यहाँ से मिट्टी लेकर के ट्रैक्टर में डाला जा रहा है। और देखिए हम यहाँ पे है, इससे भी अंदर यहाँ पे बड़ा सा गड्ढा है, और गड्ढा से पूरा मिट्टी काट करके, अब आप सोचिए कि किस तरह की तैयारी नगर परिषद के द्वारा की जा रही है। तैयारी यह होनी चाहिए थी कि जो जगह था वहां पे नदी किनारे मिट्टी का कमी नहीं है, और वहां पे भी दो तरह का साइड चल रहा है, एक तरफ जेसीबी से मिट्टी दिया जा रहा है, एक तरफ टोकरी से मजदूर दे रहा है। जब एक तरफ टोकरी से मजदूर मिट्टी दे सकते थे तो दूसरे साइड पे क्या है, नगर परिषद के अधिकारी यहाँ जेसीबी से गड्ढा खुनवा रहे हैं, और पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे पेड़ का जो है सो यहाँ पे जड़ का जो है सो पूरा काट दिया गया, इधर ही नहीं है, इधर भी जो है सो पेड़ का पूरा नुकसान किया गया, और इधर पीछे तक पूरा गड्ढा किया गया है, 10-10 फीट 15-15 फीट गड्ढा ये पूरा कर दिया गया। अब आप सोच के देखिए कि थोड़ा सा पानी भी नदी में भरेगा तो पेड़ कहाँ जाएगा, और बताइए किस चीज़ का पेड़ है, ये नारियल खजूर का पेड़ है, ऐसा कौन छठ पर्व है भाई, ये कैसी तैयारी है भाई कि एक तरफ प्रकृति का नुकसान करके और दूसरे तरफ हम जो है सो दलदल पे मिट्टी डाल रहे हैं, वो भी जेसीबी ट्रैक्टर से, न जाने कौन योजना से नगर परिषद में ये काम हो रहा है। और तो दोस्तों ये जो दृश्य देख रहे हैं ये रोसड़ा नगर परिषद की हकीकत, कचरा प्रबंधन किस तरह से किया जा रहा है कि कचरा उठा करके, अब बताइए यहाँ पे सीढ़ी घाट है, उसके बाद गंडकी नाथ है, पूरा यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे लोग छठ करने के लिए आएंगे, और देखिए नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे धुआं धुआं कर दिया गया, और कितने खतरनाक केमिकल यहाँ पे जल रहे हैं, कितने खतरनाक कचरा यहाँ पे जल रहा है, बताइए कितना रुपया खर्च होता है गीला कचरा सूखा कचरा सारा चीज करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन रोसड़ा नगर परिषद में देखिए यहाँ पे सारे कचरे के अंबार में आग लगा दिया गया, वो भी नगर परिषद के अधिकारी के सामने में अभी मौजूद थे, गाड़ी स्टार्ट करके भाग गए, और यहाँ पे नगर परिषद के सभापति के पति भी यहाँ पे देख रहे हैं कि मौजूद, वही लोग लगवाए हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, और पूरा देखिए इतना बड़ा कचरा का ढेर है, ये बुझ ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पे, कल के बाद यहाँ पे व्रती लोग आएगी छठ करने के लिए, किसी भी कीमत पर ये आग नहीं बुझाया जा सकता। और बताइए यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो रहा, दम घुट रहा, बगल में रास्ता है जहां से महिला लोग छठ करने के लिए जाएगी, आखिर कौन आग लगाया इस कचरे के ढेर को, किसने जलाया इस कचरे के ढेर को, आखिर कौन जिम्मेवार है, क्या नगर परिषद के सभापति के पति या यहाँ के जो अधिकारी हैं दंडाधिकारी हैं, कौन है इस सीढ़ी घाट पे पूरा कचरा के ढेर में आग लगा दिया गया है, बगल में 20 फीट 10 फीट मट्टी काटा जा रहा है, और पूरे तरीके से छठ पर्व के तैयारी के नाम पे यहाँ भ्रष्टाचार और प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों अभी रोसड़ा के ये सीढ़ी घाट पे मौजूद, और देखिए एक दिन के बाद यहाँ पे भर्तियों को छठ करने के लिए आना, लेकिन छठ की तैयारी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे दलदल कीचड़ के सिवा कुछ नहीं मिल रहा, और दोस्तों इसके इलाज के नाम पे एक बीमारी पैदा किया जा रहा है धुआं करके, और 10 फीट 15 फीट गड्ढा कर दिया जेसीबी के नाम पे, और यहाँ पे दुर्गंध आ रही, और इसी दुर्गंध में भर्तियों को आकर के छठ करना, आइए आपको छठ घाट की सच्चाई आपको दिखाते हैं, किस तरह से यहाँ पे महिलाएं खड़ी होंगी, कैसे यहाँ पे महिलाएं खड़ा होकर के छठ भट करेंगी, कैसे परिवार के लोग यहाँ पे आएंगे इस दलदल में, और स्थिति देखिए ये मेरा जूता है, और स्थिति देखिए यही वो छठ घाट है, देखिए जूते की स्थिति कितना अंदर तक जा रहा है, और किस तरह से यहाँ पे दुर्गंध आ रहा है, सरा हुआ महक रहा, आखिर इतना विलंब क्यों, जब और योजना में जहां भ्रष्टाचार करना हो तुरंत काम हो जाता है, इतने बड़े महापर्व में छठ महापर्व में रोसड़ा नगर परिषद की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई कि परसों यहां पे महिला लोग आएगी भर्ती आएगी पूरे रोसड़ा के लोग आएंगे और यहां पे दलदल है परपज, और इसी के उपाय के लिए पता नहीं, अब आपको एक चीज और दिखाते हैं, यहाँ पे दो साइड चल रहा है, दो तरह का काम चल रहा है, पीछे दूर देखिएगा वहां माथा पे टोकरी लेकर के लेवल काम कर रहे हैं जैसे मनरेगा में गांव में करते हैं, बहुत अच्छे से मिट्टी डाल रहे हैं, लेकिन उसी के बगल में यहाँ पे ऐसा क्या है भाई, यहाँ भी मिट्टी उपलब्ध है, यहाँ भी लेबर आ सकता था, यहाँ भी टोकरी आ सकता था, इसमें मिट्टी देने के लिए यहाँ पे पूरा पेड़ के नीचे गड्ढा कर दिया गया है, जिसके बाद थोड़ा पानी जाने के बाद पूरा पेड़ गिर जाएगा, बांध टूट जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, कौन है नगर परिषद का अधिकारी जो ये सब करवा रहा है, और आइए आपको नजदीक से दिखाते हैं कितना बड़ा, और यहाँ पे दोस्तों दुर्गंध ही दुर्गंध, पता नहीं परसों तक क्या तैयारी हो पाएगी, कुछ तो दिख नहीं रहा है, सजावट के नाम पे, कचरा के नाम पे, यहाँ पे गंदगी के नाम पे, और खाना पूर्ति किया जा रहा है, मिट्टी पूरा जो है सो, और देखिए ये जो मिट्टी का टीला देख रहे हैं इसको थोड़ा दूर से दिखाइएगा, ये जो मिट्टी का टीला है
ये मिट्टी का टीला जेसीबी ट्रैक्टर से यहाँ पे दिया जा रहा। हम किसी भी रूप में किसी भी काम का, किसी भी सजावट का, किसी भी तरह के व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं। व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जब मिट्टी यहाँ पे उपलब्ध है, वहाँ पर मिट्टी काट करके लेबर दे सकते हैं, तो यहाँ क्यों जेसीबी से बांध किनारे में गड्ढा किया जा रहा? आखिर कौन लगाया है कचरा वाले में आग? और ये देख लिया, अब एक साइड और आपको हम दिखाते हैं जहाँ पे काफ़ी व्यवस्थित रूप से वहाँ पर मनरेगा के मजदूर लोग काम कर रहे हैं, जो भी मजदूर हैं जो माथे पे टोकरी लेकर के मिट्टी डाल रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, यहीं पे 20 मीटर के दूरी पे जेसीबी चलवाया जा रहा है। पता नहीं क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, जांच का विषय, लेकिन यहीं पे मानव बल के द्वारा अच्छे तरीके से मिट्टी डलवाया जा रहा है। कितने व्यवस्थित रूप से जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी है वहाँ से लेकर के ये लोग डाल रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छा लगा हमको। इतने सारे लोगों को रोजगार मिला, बताइए, गरीब परिवार के लोग हैं, इससे कुछ पैसा कमाए होगा तो छठ पर्व मनाएंगे अच्छे से। और देखिए वहाँ पे उधर दिखाई, वहाँ से ऊंचाई से मिट्टी लेते हैं ये लोग और गड्ढा में डालते हैं। इतने सारे लोगों को काम मिला हुआ, सब लोग बढ़िया से काम कर रहे हैं, लोग करवा भी रहे हैं। जब यहाँ पे मिट्टी कट सकता है टीला पर से, तो फिर वहाँ जेसीबी से क्यों काटा जा रहा? यही सवाल है। पीछे में देखिए लेबर काम कर रहे हैं। बस एक बार कैमरा उधर घुमाइए, एक बार कैमरा उधर घुमाइएगा। बस यहीं से 10 मीटर का मात्र अंतर, और 10 मीटर के अंतर में दो तरह का काम चल रहा है। यही है नगर परिषद का। उम्मीद करेंगे कि परसों तक छठ घाट तैयार हो जाए किसी तरह से, ताकि भर्ती आए और यहाँ पे अच्छे से छठ मना पाए।